नमस्कार। रूट, स्टेम और लीफ की एनाटॉमी के बाद, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया इन सब का, इसके बाद आते हैं हम रिप्रोडक्शन, जनन। साइकस में जनन किस तरह से होता है? तो जनरली हायर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जनन होता है और कुछ में वेजिटेटिव जनन भी होता है, वर्धी जनन या कायिक जनन कहते हैं। साइकस में भी दो तरह से जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स या कह लो हम बल्बिलीज के द्वारा होता है, और ये जो बल्बिलीज का डेवलपमेंट होता है वो स्टेम के आधारीय भाग पर जो स्थाई लीफ है, उन लीफ शूट जो हैं उनकी दरारों के बीच में, पर्णाधार जो हैं उनकी दरारों के बीच में कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से विकसित होती हैं ये बल्बिलीज। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये फॉलिएज लीफ है, ये वाली ये फॉलिएज लीफ, ये इनकी जो ये बेस है, लीफ बेस, पर्णाधार किसको कहते हैं, लीफ बेस को, ये लीफ बेस, इनके बीच में ये इस तरह से बल्बिलीज, ये सारी स्कैली लीव्स हैं, और इनके अंदर इन लीफ बेस के जो कॉर्टिकल सेल है उनकी कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमेटस सेल के द्वारा, मतलब पैरेन्काइमेटस सेल्स वृद्धि कर ग्रोथ करती है, उनमें डिवीज़न होता है और बल्ब के समान संरचना का विकास करते हैं, और वो बल्बलीज के द्वारा ही यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। प्रत्येक बल्बलीज का जो आधारीय भाग है वो स्कैली लीव्स के द्वारा, यहाँ पर डायग्राम में आपने देखा स्कैली लीव्स से ढका हुआ होता है, और केंद्र से कुछ फॉलिएज लीफ विकसित होती हैं, इसके केंद्र से जो लीफ, ये जो बल्बिलीज बने हैं यहाँ पर, उसमें वहाँ पर स्टेम का जो शूट है उसके केंद्र से कुछ फॉलिएज लीव्स विकसित होती हैं, जो जैसा ये डायग्राम में देखा है ये फॉलिएज लीफ है, और ये यहाँ पर ये फॉलिएज लीफ और ये स्कैली लीव्स हैं, यहाँ पर बीच में नीचे अंदर की तरफ ये बल्बिलीज का डेवलपमेंट होता है। ये जो बल्बिलीज, अब इनके केंद्र से ये साइकस रिवोल्यूटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बल्बिलीज के द्वारा ये सामान्य विधि है, क्योंकि इस जाति के जो नर पौधे हैं वो उत्तर भारत में नहीं पाए जाते हैं, तो इनमें लैंगिक जनन संभव नहीं होता है इस कारण से, तो नर पौधे बल्बिलीज का निर्माण करते हैं, और ये नर पौधे जो बल्बिलीज निर्माण करेंगे उससे नर पौधा विकसित होगा, और इस यदि फीमेल प्लांट से बल्बिलीज डेवलप होती है तो वो फीमेल प्लांट को ही डेवलप करते हैं। साइकस सर्सिनेलिस में भी वेजिटेटिव, इसके अंदर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सकर्स के द्वारा होता है, और ये जड़ों से विकसित होते हैं और भूमि के अंदर कुछ समय तक ये क्षैतिज वृद्धि करते हैं, और इसके पश्चात ये नए पौधे का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये तो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइकस एक हेटेरोथैलिक पौधा है, इसके अंदर फीमेल और मेल गैमेटोफाइट दो प्रावस्थाएँ, हेटेरोथैलिक यानी कि दो तरह की संरचनाओं का, दो तरह के थैलस का पाया जाना, यानी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्रावस्थाएँ दो भिन्न बीजाणुओं के द्वारा विकसित होती हैं। दो भिन्न बीजाणु यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो माइक्रोस्पोर से, और फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोर बनाता है, मतलब मेगास्पोर से बनते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर से बनेगा, मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर से बनेगा, और ये जो स्पोर हैं माइक्रोस्पोर जो हैं वो मेल माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होंगे मेल प्लांट पर, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर बनेंगे, और ये मेगास्पोरेंजिया फीमेल पर डेवलप होंगे फीमेल प्लांट पर। साइकस की सभी जातियाँ डायोशियस होती हैं, अर्थात डायोशियस का मतलब क्या हो गया कि पादप में एक पादप, एक पौधे पर केवल एक ही जननांग पाया जाता है, मतलब नर पौधे पर मेल कोन बनेंगे और जो फीमेल पौधा है उसके ऊपर मेगास्पोरोफिल बनते हैं। भारत में साइकस सर्सिनेलिस के ही मेल प्लांट पाए जाते हैं, और साइकस रिवोलुटा के भी कुछ कम मात्रा में पौधे मेल प्लांट मिलते हैं। अब मेल और फीमेल
जो स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है, अब वो किस तरह से होता है, यहाँ पर किस तरह से होते हैं। तो जो सबसे पहले आते हैं हम कि मेल माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, कहाँ पर पाए जा रहे हैं और कैसे किस स्थिति में होते हैं। तो सबसे पहले मेल स्ट्रोबिलस यानी कि नरशंकु का विकास, मतलब जो माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो सारी मिलकर और एक कोन का निर्माण करती हैं, तो उसको कहते हैं मेल कोन। तो मेल कोन का डेवलपमेंट जो है वो स्टेम की शीर्ष पर पत्तियों के क्राउन के बीच में होता है और एक शीर्ष पर केवल एक ही मेल कोन का निर्माण होता है। इसके निर्माण में स्टेम की जो एपिकल मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं वो भाग लेती हैं, और जिसके फलस्वरूप मेल कोन बनने के कुछ समय के पश्चात स्टेम की, क्योंकि एपिकल मेरिस्टमैटिक सेल भाग लेगी तो जिसके कारण से क्या होगा कि एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा जो स्टेम की वृद्धि हो रही है वो रुक जाती है एपिकल, और तब एपिकल स्टेम की जो वृद्धि है वो एपिकल मेरिस्टम से ना होकर लैटरल बड्स के द्वारा होती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये मेल कोन है, ये पत्तियों का ये क्राउन है यहाँ पर, और ये मेल कोन का फॉर्मेशन, सारी माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर और एक मेल कोन का फॉर्मेशन करती है। ये शूट एपेक्स है, ये एपेक्स की एपिकल जो मेरिस्टम है वो इसको बनाने में मदद करती है मेल कोन के निर्माण में। इसके बाद इसकी जब हम एलिस काटते हैं, इस कोन की यदि एलिस काटेंगे तो हमको इस तरह से दिखाई देगा। ये सारी माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो इस तरह से कोन में, ये ब्रैक्ट्स हैं, ये स्टेम ये मेल कोन हो गया। इसके बाद ये मेल कोन का जब यदि हम एलिस लेते हैं तो एलिस में ये इस तरह से सारे, मतलब एलिस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, तो ये बीच में तो होगी कोन एक्सिस, और कोन एक्सिस के दोनों तरफ ये माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज होती हैं, ये इस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल, और इन माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है। तो जो अब ये जो एपिकल ग्रोथ, जो इसका निर्माण किस तरह से हो रहा है, तो स्टेम की जो एपिकल ग्रोथ वो एपिकल मेरिस्टम के द्वारा मेल कोन के निर्माण के कारण वो रुक जाती है, और लैटरल बड्स के द्वारा, पार्श्व कलिकाओं के द्वारा स्टेम की फिर वृद्धि होती है। मेल कोन जो कि मेल कोन को एक ओर धकेल के मुख्य अक्ष के रूप में वृद्धि करने लगती है। इस प्रकार की जो वृद्धि होती है इसको हम कहते हैं सिम्पोडियल ग्रोथ। ये सिम्पोडियल ग्रोथ क्या होती है इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो जब लैटरल बड्स वृद्धि करती हैं और वो जो मेल कोन है उसको एक तरफ धकेल के मुख्य अक्ष के रूप में वृद्धि करने लग जाती हैं, तो अब उसको हम कहते हैं, इस प्रकार की वृद्धि को हम कहते हैं सिम्पोडियल ग्रोथ। अब मेल कोन एक छोटे व्रंत वाली एक संरचना, एक व्रंत वाली छोटी सी एक छोटी संरचना होती है, और ये अंडाकार और काष्ठीय संरचना होती है। साइकस में मेल कोन जो है वो पादप जगत में सबसे बड़े कोन होते हैं, और इनकी लंबाई लगभग 40 से 80, साइकस में जो मेल कोन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और मतलब दूसरी जीनस के कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 40 से 80 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं ये। प्रत्येक मेल कोन में अनेक माइक्रोस्पोरोफिल पाई जाती हैं, मतलब कई सारी माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर एक, अब जब साइज इतना बड़ा होगा तो उसके अंदर काफ़ी सारी माइक्रोस्पोरोफिल भी होगी, तो माइक्रोस्पोरोफिल से निर्मित होता है जो कि एक सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर स्पाइरल क्रम में व्यवस्थित होती हैं। ये कोन जो है अक्ष पर लगभग परपेंडिकुलर संलग्न होते हैं, और प्रत्येक माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु जो है वो वूडी, चपटा और त्रिकोणीय होता है, और इसका जो अंतस्थ छोर है वो
एक लंबा नुकीला एपोफाइसिस बनाता है जो माइक्रोस्पोरोफिल है। एक माइक्रोस्पोरोफिल की संरचना ये इस तरह से दिखाई देती है। ये माइक्रोस्पोरोफिल की संरचना है। ये ऊपर की तरफ ये लंबा पतला सा एक ऐसा एपोफाइसिस दिखाई देता है और ये इस तरह से यहाँ पर ये एपोफाइसिस वाला पोर्शन हो गया और इसमें ये सोराई का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर इसकी एडेक्शियल सरफेस पर माइक्रोस्पोर्स का, माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा और उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इसका जो अंतस्थ छोर है लंबा और नुकीला हो जाता है और एपोफाइसिस बनाता है। ऊपर और अभ्यक्ष सतह पर ये स्टराइल होती है, मतलब ये जो ऊपर वाली जो सतह है ये स्टराइल होगी और नीचे वाली जो सतह है वो एबेक्शियल सतह जो है नीचे वाली वो लगभग 700 से लेकर 1000 माइक्रोस्पोर्स स्पोरेंजिया एक समूह में निर्मित करती है। और ये मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया जो इसके अपक्ष सतह पर समूह में विकसित होते हैं और इनको हम कहते हैं सोरस। और प्रत्येक सोरस में 3 से लेकर 6 माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं, जो कि एक केंद्र, ये इस तरह से जब हम इसकी टीएस काटेंगे तो टीएस में हमको ये इस तरह से दिखाई, इसकी यदि हमने इस तरह से टीएस काटी तो टीएस में हमको ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये सारी सोराई जो है वो इस तरह से यहाँ पर अरेंज है और 5 से 6 सोराई ये एक लेयर में इस तरह से अरेंज होती है और ये इनके अंदर माइक्रोस्पोरिंजिया कह लो या सोराई कह लो, इनके अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। और इनसे इंडूसियल पैपिला निकलती है जो जो एक के जो लघु बीजाणु धानियाँ 3 से 6 तक होती हैं और जो कि एक इंडूसियल पैपिला निकलती हैं और बीजाणु पर्ण की सतह पर बीजाणु धानियों के बीच में अनेक हेयर्स, बारीक पतल कोमल हेयर पाए जाते हैं जो कि इन माइक्रोस्पोरेंजिया की रक्षा का काम करती है और इनके प्रकीर्णन डिहिसंस में भी सहायक होती हैं। जो परिपक्व माइक्रोस्पोरेंजिया होती है उसकी संरचना बीजाणुपर्ण के, मतलब जो हम इसकी जब हम टीएस काटते हैं तो हमको दिखाई देती है। तो टीएस में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीएस काटा हुआ है। इस टीएस के अंदर ये जो आपको बताया अभी कि ये टीएस है, इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना और माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि अवरंत होती है, ये यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्टॉक यहाँ पर नहीं पाया जाता, व्रंत नहीं पाया जाता है। तो ये बीजाणुधानियाँ अव्रंत होती है या फिर कभी कभी छोटा सा स्टॉक भी पाया जा सकता है, जनरली अव्रंत होती हैं। और बीजाणुपर्ण की निचली सतह पर, ये बीजाणुपर्ण है इसकी निचली सतह पर, ये निचली सतह है इस पर लगी हुई होती है। इसके अंदर म्यूसिलेजिनस डक्ट ऊपर की तरफ जो पोर्शन, जो इसका स्टराइल पोर्शन है ऊपर की तरफ, इसके अंदर म्यूसिलेजिनस डक्ट भी पाई जाती हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजिया की जो संरचना है उसके अंदर जो बाहर की तरफ भित्ति होती है बहुस्तरीय भित्ति है, ये काफ़ी सारी लेयर आप देख सकते हैं। तो ये जो लेयर है ये एक्सोथीसियम कहलाती है, सबसे बाहर वाली। इसको 3 क्षेत्रों में हम विभेदित कर सकते हैं। सबसे बाहर वाली एक्सोथीसियम कहलाती है और इसकी एक्सोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं मोटी भित्ति युक्त होती है और क्यूटिकल की एक परत से ढकी रहती है। मध्य की परतें जो होती हैं वो पतली भित्ति युक्त होती हैं, ये अंदर वाली परत जो है उसको हम एंडोथीसियम कहते हैं। और बीजाणुधानी की सबसे अंदर वाली जो परत है, मतलब एंडोथीसियम से अंदर की तरफ जो परत है वो टैपिटम कहलाती है। और प्रत्येक बीजाणुधानी के अंदर लगभग 1000 बीजाणु पाए जाते हैं। इसके बाद इसका जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल की हाइपोडर्मल कोशिकाओं से विकसित होती हैं और ये जो डेवलपमेंट हाइपोडर्मल कोशिकाओं से और एक से अधिक कोशिकाएं इसके विकास में भाग लेती हैं, इसको हम कहते हैं यूस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट।
ये जो स्पोरेंजिया है इस और जो सबसे पहले जो सुपरफिशियल हाइपोडर्मल सेल की जो कोशिका इसमें भाग लेती है उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल। स्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर पहले पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा जिसके द्वारा दो कोशिकाएं बन जाएंगी, ऊपर वाली को कहते हैं प्राइमरी वॉल सेल और नीचे वाली को हम कहेंगे आर्चिस्पोरियल सेल। प्राइमरी वॉल सेल में अनेक पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे जिसके फलस्वरूप 5 से 6 स्तरीय बीजाणुधानी की वॉल बन जाएगी और सबसे बाहर वाली वॉल इपिडर्मिस या एक्सोथीसियम। इस परत के अंदर इस परत की जो कोशिकाएं हैं वो रेडियल और इनकी जो वॉल है उसके अंदर रेडियल थिकनिंग पाई जाती है जिसके कारण से ये थोड़ी मोटी हो जाती हैं दीवारें इनकी। फिर जो आर्चिस्पोरियल सेल है इसके अंदर इसकी कोशिकाएं भी अमाप में वृद्धि करने लगती हैं और ये बीजाणु स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती हैं और ये बीजाणुद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका होती है। प्रत्येक बीजाणु मदर सेल की में मियोसिस डिवीज़न के द्वारा 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। बीजाणुधानी में परिपक्व होने के बाद स्पोरोजिनस टिश्यू जो बीजाणुधानी भित्ति से इनके बीच में जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसके ऊपर टैपिटम की एक लेयर होती है और टैपिटम के ऊपर एंडोथीसियम और सबसे बाहरी परत एक्सोथीसियम। तो जो टैपिटम की लेयर होती है इसका कार्य जो विकासशील बीजाणुधानियाँ हैं उनको पोषण प्रदान करना होता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। ये हाइपोडर्मल सेल हैं सारी, इसके अंदर ये स्पोरेंजियल इनिशियल इस तरह से सुपरफिशियल सेल जो कि इनिशियल का काम करती है, तो स्पोरेंजियल इनिशियल इसके अंदर डिवीज़न हुआ, डिवीज़न होके एंटीक्लाइनल डिवीज़न पहले पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ, दो सेल बनी। बाहर वाली सेल कहलाती हैं ये स्पोरोजिनस आर्चिस्पोरियल सेल, बाहर वाली इसको जैकेट लेयर का निर्माण करती हैं। तो ये स्पोरेंजियल वॉल बन गई, स्पोरेंजियल वॉल एक्सोथीसियम के अंदर थिकनिंग आ गई और अंदर की तरफ वाली एंडोथीसियम और सबसे अंदर वाली परत कहलाती टैपिटम। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाहर वाली थिकनिंग वाली एक्सोथीसियम, अंदर एंडोथीसियम और ये स्पोरोजिनस मास, इसके ऊपर ये टैपिटम लेयर पाई जाती है जो कि इसके पोषण का काम करती है, बीजाणु के पोषण का काम करती है। अब ये सबसे इस तरह से ये बीजाणु मियोसिस डिवीज़न के द्वारा 4 बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है और ये स्पोर टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद लघु बीजाणुधानियों के परिपक्व होने के बाद ये मेल कोन जो है एक्सिस, मेल कोन की जो एक्सिस है वो लंबाई में बढ़ने लगती, पहले तो ये कॉम्पैक्ट रहेंगे, उसके बाद जब ये परिपक्व हो गए तब ये एक्सिस इसकी बढ़ने लग जाती है जिसके कारण से क्या होता है जो कॉम्पैक्ट रूप से माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज है वो थोड़ी थोड़ी दूर हो जाती हैं और उसके कारण से क्या होगा कि निचली जो सतह है वहाँ पर बीजाणुधानियाँ जो समूह में वितरित होती हैं इनकी भित्तियाँ जब वो थोड़ी दूर होने लगेंगी तो इनकी भित्तियाँ सूखने के कारण से एक स्फुटन लाइन बन जाती है और उसके कारण ये बीजाणु स्फुटन रेखा से जो रेखा से टूट जाती हैं और जो लाइन बन गई वहाँ से अपाक्ष सतह पर ये स्फुटन रेखा से टूट जाती है और माइक्रोस्पोर मुक्त हो जाते हैं। स्फुटन रेखाएं जो इंडोशियल पैपिला से रेडियल होती हैं और परिपक्व मेल कोन के अक्ष की कोशिकाओं के सूखने के कारण इनके अंदर वाटर नहीं पहुंच पाता है जिसके कारण से ये और इस संचार वाटर नहीं पहुँच पाएगा और इसका प्रभाव क्या होता है शीर्ष की ओर उपस्थित माइक्रोस्पोरोफिल पर सबसे पहले पड़ेगा क्योंकि वाटर सप्लाई सबसे पहले वहीं से रुकेगी। उसके बाद ये बीजाणुओं के प्रकीर्णन जो है वो इस कारण से बीजाणुओं का जो प्रकीर्णन है वो शीर्ष से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल लगभग गोल एक केंद्रकीय और हैप्लोइड संरचना होती है। इसमें बाहर की तरफ वाली एक्साइन कहलाती भित्ति, बाहरी भित्ति जो होती है वो एक्साइन कहलाती है, अंदर वाली भित्ति इंटाइन कहलाती है और बाह्य चूल जो है वो मोटी सब तरफ से एक समान मोटी होती है किंतु इंटाइन जो होती है वो अपोजिट पोल पर अपेक्षाकृत कम मोटी होती है, अपोजिट पोल पर अपेक्षाकृत मोटी होती है, बाकी जगह पर कम मोटी होती है। फिर ये जर्मिनेट होती हैं और जर्मिनेट होकर और गैमेटोफाइट का निर्माण करती हैं।
गैमेटोपाइट के डेवलपमेंट में हम उसका जर्मिनेशन देखेंगे। धन्यवाद।